रतलाम जिले के नामली तहसील में 11 जून को 9 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर शिवसेना द्वारा आज नीमच में ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि दुष्कर्म के आरोपी राजेंद्र पिता शंभू सिंह को शीघ्र फांसी दी जाए। कलेक्टर कार्यालय नीमच पर नायब तहसीलदार पिंकी साठी को दिए गए ज्ञापन में शिवसेना युवा सेना ने बताया कि इस घटना से बाकरी समाज में बहुत आक्रोश है, आम आदमी में भय व्याप्त है। इस अवसर पर विनोद नायक, अर्जुन लाल बागरी, कन्हैया शर्मा, विनोद शर्मा, हनी नायक, सुनील राव, विशाल राव, रितेश ग्वाला, सुरेश बंजारा, राहुल सिंह, मंजू खटिक और बड़ी संख्या में शिव सैनिक उपस्थित रहे। जिस लड़की के साथ रतलाम में बलात्कार हुआ है उसके बारे में हम ज्ञापन देना है कलेक्टर को कि उसको जल्दी जल्दी फांसी पर चढ़ा जाए और उनको घरों पर बुलडोजर चढ़ा जाए। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। शिवसेना द्वारा इसका आंदोलन होगा क्योंकि हर नाबालिग की लड़कियों के साथ बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री ध्यान नहीं देते हैं इधर, और ऐसे आए दिन होते रहते हैं। तो हम चाहते हैं, शिवसेना सभी शिवसैनिक चाहते हैं कि इस आदमी को जल्दी जल्दी फांसी पे चढ़ाया जाए और इसके घर पे बुलडोजर चढ़ाया जाए जल्दी जल्दी, और नहीं हुआ ऐसा तो हम आंदोलन करेंगे इसके लिए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।